कि अगर तुम अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप दो, निश्चिंत होके सो, निश्चिंत होके जिंदगी गुजारो, पूरी जिम्मेवारी भगवान की है कि भगवान ही सुलाएगा, भगवान जगाएगा, भगवान खिलाएगा, तब भगवान करेगा। बोलो भाई, विश्वास करने की जरूरत है कि नहीं? विश्वास की जरूरत है, लेकिन समस्या इस बात की है कि तुम विश्वास भगवान पे नहीं करते हो, तुम विश्वास जो है परम पिता पे नहीं करते हो, तुम विश्वास अपने पिता पे भी नहीं करते हो, तुम विश्वास करते हो अपने बेटा पे। बोलो, करते हो कि नहीं? क्यों? हे भगवान, एक बेटा दे दो, बेटी कोई नहीं मांगता। अभी तक मंदिरों में हमने मांगते हुए यही सुना है, एक बेटा दे दो, बेटी किसी ने नहीं कहा एक बेटी दे दो। क्यों बेटी क्यों नहीं मांगते हो, बेटा क्यों मांगते हो? भाव ये है कि बेटा हमारी सेवा भी करेगा, बेटा हमें भोजन कराएगा, बेटा हमें सुलाएगा, बेटा बाजार से कपड़ा खरीद के लाएगा, बेटा हमारी संपूर्ण सेवा करेगा, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो बेटा मेरी अंतिम क्रिया करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ बोलो, मांगते हो कि नहीं मांगते हो बेटा? लेकिन 80% लोग बेटों से संतुष्ट नहीं है। 20% की बात हम नहीं कह रहे, वैसे तो हम 90 कहते सीधा, लेकिन हो सकता है कि भाई अब ग्राफ बढ़ गया हो, शिक्षा की क्रांति में थोड़ा समझदारी ज्यादा आ गई। क्यों भाई? बेटों में पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे हो, तुम भी प्रयास कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, हो सकता है 10% ग्राफ बढ़ गया हो, तो 20% की बात हम नहीं कर रहे। 80% अगर माँ बाप असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, तो बेटों से हैं, बेटियों से नहीं है। बोलो, हैं बेटों से कि नहीं? इतने परेशान हैं कि भोजन मिलता तो है लेकिन पचता नहीं है। क्यों भाई? हम ये नहीं कह रहे भूखों मार रहे हैं, अरे भूखों क्या, तुम्हारे यहां तो भरा पड़ा है अन्न कई कुंटल। बोलो, लेकिन सही बात तो यह है कि भोजन मिलता है लेकिन पचता नहीं है। क्यों? रात दिन टेंशन में रहते हो, मेरा बेटा ऐसा निकल गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। परेशान बेटों से हो, देश परेशान नेता से हो, बाप परेशान बेटा से। क्यों भाई, है कि नहीं? बाप किससे परेशान है? बेटा से। ये देश, कुछ कुछ नेता ऐसे भी हैं, देश रोता है जब विधानसभा और लोकसभा में जूता चप्पल चलाने लगते हैं। क्यों भाई? लोकसभा विधानसभा में जूता चप्पल चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ये मूर्खों का काम है। जब सदन की कार्रवाई होती है, पूरी दुनिया देखती है उसे, देखती है कि नहीं? लेकिन जब जूता उठा करके वहीं चलाना शुरू कर देते हैं, तब याद रखना, केवल जनता ही नहीं रोती है, पूरा देश रोता है, भारत माता रोती है कि ऐसे नालायक बेटे हो गए हैं, इन्हें संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जो संसद की मर्यादा नहीं जानते हैं, उनको संसद में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जो कुल खानदान बेटा, जो कुल खानदान की मर्यादा का पालन नहीं करता है, उसे घर में और कुल में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं, उस घर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। जो खानदान को कलंकित करने लग जाए, जो अपने कुल खानदान के साथ साथ अपने घर, अपने गांव को परेशानियों में डालने लग जाएं, ईमानदारी से बताओ, ऐसे लोगों का ना होना ही ज्यादा अच्छा है, ना होना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन देखिए अयोध्या वासियों का प्रेम कितना है। अयोध्या वासी कहते हैं, बड़भागी बन अबध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी ये वन है जिस वन को प्रभु आपने स्वीकार किया है। अरे वृक्षों,
तुम्हारा जीवन धन्य है। बड़ी ऊर्जा थी तुमने कि महलों से निकाल करके वृक्ष के नीचे बिठा दिया राम को। बोलो, महलों से निकाल के वृक्षों, तुम में बड़ी ऊर्जा थी कि महलों से निकाल कर तुमने आज राम को अपने पास बुला लिया है। अय नदियों, तुम में बड़ी ताकत थी कि आज सरजू का तट छोड़ करके तमसा से कह रहे हैं अयोध्यावासी, ऐ तमसा महारानी, तुम में बड़ी ताकत है कि सरजू महारानी को छोड़कर तुमने अपने तट पर राम को बुला लिया है। तुम में बड़ी ताकत है, तुम में बड़ी शक्ति है वृक्षों, तुम में बड़ी शक्ति है कि आज महलों की छाया में नहीं वृक्षों की छाया में राम सो रहे हैं, या राम बैठे हुए हैं, या राम अपना जीवन 14 साल गुजारेंगे। बड़भागी है ये वन, अभागी है अयोध्या। सोने चांदी के बर्तनों को छोड़कर, सोने चांदी के पात्रों को छोड़कर, सोने की सैया का त्याग कर आज प्रकृति जन संपूर्ण व्यवस्था को आज स्वीकार किया है राम ने, इसलिए धन्य है प्रकृति, बड़ी ताकत है। मैं कहता हूं कि सुविधा भले ही कितनी ही क्यों ना बना लो, लेकिन राम सुविधा में नहीं रहते हैं। जहां सिद्धांत होता है राम तो वही निवास करते हैं, सुविधाओं का तो राम त्याग कर देते हैं। और भगवती सीता ने भी सुविधाओं का त्याग किया। बोलो, किया कि नहीं किया? भोग रोग सम भूषण भारू ओ यम यातना सरिस संसारू, जहि लगनाथ ने ही अरुनाथ पिय विनतिय करण उचिताते। ये महल, ये सुविधाएं, ये नाते, ये रिश्ते सब व्यर्थ हैं पति के बिना। और सीता जी ने सबका त्याग किया कि नहीं किया? बहुत पुरानी बात नहीं है, इस घोर कलिकाल की ही बात बता रहा हूं, इतिहास गवाही है। महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप की पत्नी ने, बच्चों ने चित्तौड़ का किला छोड़ दिया। बोलो, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी वो किला की दीवालें तुम्हें जवाब दे देंगी, अभी जाना चित्तौड़, वो दीवालें बताएंगी कि हाँ मेरा त्याग किया। बड़े बड़े सोने के पलंग थे, सोने की सैया का त्याग किया। याद रखना, बड़े बड़े महलों का त्याग किया। और केवल महाराणा प्रताप ने ही नहीं किया, उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, बच्चों ने भी, संतान ने भी साथ दिया। और सब जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियों के बीच में रहे, वो अरावली की पहाड़ियां आज भी दिखाई दे रही हैं, गवाही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की पत्नी और महाराणा प्रताप के बच्चे, बोलो साथ में रहे कि नहीं? मैं कहता हूं, रामायण पढ़ी होगी महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप की पत्नी ने भी रामायण पढ़ी होगी, वो रामायण काल की बात है। बोलो, है कि नहीं? रामायण काल की बात है। उस समय तुलसीदास जी महाराज, हाँ उस समय तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को भेंट कर चुके थे समाज में, समझ रहे हो कि नहीं? रामायण पढ़ी होगी, इसलिए कहता हूँ रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण सुनना चाहिए। रामायण पढ़ने वालों, तुम सुविधाओं से प्रभावित नहीं होगे, तुम सिद्धांत को अंगीकार करोगे, सिद्धांत को स्वीकार करोगे। सबका त्याग किया, अरावली की पहाड़ियों के बीच में परिवार के सहित महाराणा प्रताप रहे और झरनों का पानी पिया। बोलो, और जो प्रकृति प्रदत्त भोजन था, खाद्यान्न था, उसी को स्वीकार किया। बोलो, भगवान राम के चरित्र को पढ़ा होगा तभी तो इस व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन सुविधाओं का त्याग कर दिया, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ा। बोलो, सुविधाओं का त्याग किया लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ा। यहां तक प्रमाण मिलता है कि महाराणा प्रताप के बच्चों ने तो घास की रोटियां खाई। बोलो, खाई घास की रोटियां कि नहीं? घास की रोटियां खा करके उन्होंने समय गुजारा, समय बिताया, रामायण को निश्चित रूप से पढ़ा होगा, तभी सिद्धांत में जीने की शिक्षा महाराणा प्रताप के परिवार को मिली। एक बात आपको और बता दें, सिद्धांत के रास्ते में, सुविधा के रास्ते में अंतर है। क्या अंतर है? कोई यदि पूछे कि सुविधा का रास्ता कहां से प्रारंभ होता है, याद रखना, सुविधा का रास्ता
56 प्रकार के व्यंजनों से शुरू होता है और डल्लभ के गद्दे तक सोने तक जाता है। बोलो जाता है कि नहीं? अनंत प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं और सोने के लिए सुखद सैया मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं? लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि महाराज ये तो सुविधा का रास्ता हो गया कि तमाम प्रकार के व्यंजनों को सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों को पाइए, रसगुल्ला रसमलाई रबड़ी खा करके सोने के पलंग पे सो जाइए, यह सुविधा का रास्ता। लेकिन सिद्धांत का रास्ता तो अरावली की पहाड़ियों से प्रारंभ होता है और घास की रोटी तक पहुंचता है, ये संदेश देता है। इसलिए जीवन में हमें सिद्धांतवादी होना चाहिए। महाराणा प्रताप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बोलो लिखा जाता है कि नहीं? लेकिन वही मानसिंह जिसने महलों से प्रेम किया, जिसने सुविधाओं से प्रेम किया, जिसने सोने चांदी से प्रेम किया, यश आराम की जिंदगी बिताई, बोलो मानसिंह का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? इसलिए मैं कहता हूँ शरीर तो महाराणा प्रताप का भी दुनिया से गया, शरीर मानसिंह का भी दुनिया से गया, लेकिन कीर्ति को मानसिंह ने कलंकित कर दिया, महाराणा प्रताप ने कीर्ति को अमर कर दिया है। प्यारे स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। इसलिए कहता हूँ सिद्धांतवादी बनो।